अस्सलाम वालेकुम, तो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आज के व्लॉग में ना आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं शादी पे, वो भी किसी की शादी पे। और मैं पहली बार व्लॉग बनाऊंगा अगर मैंने बनाया। अगर मेरे ताया बाबू के बेटे की शादी है तो हम लोग भी जाएंगे सारे, लेकिन मैं शायद व्लॉग करूँ, शायद हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, वेलकम होगा तुम सबके अंदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तो हम लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं। हम लोगों को व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, वो इसलिए यार क्योंकि लेंटर डल गया, तो जिसकी वजह से ना मैं ऊपर छत पर खड़ा होकर वीडियो बना सकता हूँ। ये यार जी सूरज का कमाल है कि नहीं, ज़बरदस्त जुगाड़ लगा लिया मैंने भी यार। अब इधर खड़े होकर व्लॉग बनाया करेंगे। लोग भी ना सबके घरों में छातियाँ छातियाँ मार सकते हैं। हरामी हो बेटा। ये देखो अंकल सामने बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है सब कुछ, दिख रहा है सब कुछ। कोई भी काम अब हमसे पूछे बगैर नहीं होगा है, हम सब लोगों को देख रहे होंगे। व्लॉग थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊंगा क्योंकि घर वाले सारे चले गए और घर में कोई भी नहीं है, एक भाई और मैं हूँ, तो सब जल्दी से देते हैं नहा और चलते हैं भाई साहब छाती पे। हम लोगों को मैं कपड़े भी दिखा देता हूँ। कपड़े हम लोगों ने ये व्हाइट सूट पहनना है, खलारा वगैरह को इग्नोर करना है, ये जो सा डला हुआ है इसको इग्नोर करना, क्योंकि शादी का आप लोगों को पता ही है कि जब शादी हो घर में नहीं, यानी कि किसी जाना हो तो ऐसे ही डलता है खलारा। तो फटाफट से कपड़े पहन लेते हैं। ओके वगैरह भी हो गए हैं, लेकिन बूट चप्पल रहती थी पहनने वाली, तो चप्पल पहन लेते हैं। आप लोगों को पता है सारा दिन चप्पलों में घूमता हूँ, तो वो गुस्सा डालने लगा हूँ मैं। निकलते हैं भाई साहब, घड़ी वगैरह भी लगा लिया, तो चलते हैं सीधा फंक्शन पे, लेट हो गए हैं तो चलते हैं। भाई साहब के अपने शशके नहीं खत्म हो रहे, जल्दी चलो यार, जल्दी चलो यार। इसको तुम लोगों को मैं बताना भूल गया कि हम सब लोगों ने, भाइयों ने, पांचों भाइयों ने व्हाइट सूट पहने हैं। ये भाई ने भी व्हाइट सूट पहना है, और जो चले गए हैं भाई उन्होंने भी व्हाइट सूट ही पहना हुआ है, कॉम्बिनेशन किया है। A few moments later. तो यार शादी वाली जगह में हम पहुंच गए हैं। हम मैंने सोचा था कि हम लेट है, लेकिन यार यहाँ तो प्रोग्राम ही लेट है, प्रोग्राम का तो बढ़ गया सब, प्रोग्राम तो बढ़ गया। यार शादी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो शायद मैं फंक्शन में आप लोगों को सही तरह से दिखा ना सकूं, तो अभी ले चलता हूं कि दिखाता हूं आपको अंदर कैसा माहौल है। गाने शाने बज रहे हैं, चलते हैं अंदर, आपको लेके चलता हूं। यार अभी फोटो शूट हो रहा है तो दिखाता हूं तुम लोग कैसे हो भाई साहब, क्या चल रहा है। हम भी ये खाना लेने और आगे चने यार सबको साइड पर करके आपके भाई ने सबसे पहला निवाला लिया और चेक करने के लिए बैठ गया जी। जी हमने थोड़ी बहुत जी मुँह में ये गया जी, मज़ा हुआ, क्या बात है। और को भी व्लॉग में ले लेते हैं, कोई सब लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी शोटी खा रहे हैं, और मैंने सब भाइयों को एक वीडियो में ले लिया। और उस्मान भाई भी अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, ये गया जी उस्मान भाई, शर्मा रहे हैं। यार ये चीज़ बहुत तंग करती है बंदे को, ये जो कैमरा मैन है ना इसकी तो बढ़ गया समझो। खाना आ ही जा रहा है और आपका भाई फिनिश करी जा रहा है। हलवा भी हमने टेस्ट किया, हलवे की भी प्लेटें ख़त्म कर दी हैं। और ये मारने लगे हैं जी कोक के साथ, यकीन उस्मान भाई को मैंने कहा कि ये बनाएं, और ये गई जी स्प्राइट की, लेकिन पी सारी उस्मान भाई गए हैं। खैर कोई बात नहीं, पीने दो, इन्जॉय करने दो। ये आपके भाई ने भी गिलास उठाया फिर हैं कि यार मेरे भी व्लॉग बनाओ। और इतनी बड़ी जल्दी आ जाते हैं जी उठाने वाले बर्तन। हम तो यार हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और हम आए जी वॉशरूम। उस्मान भाई भी आए मेरे साथ, वॉशरूम आए थे क्योंकि वो बाहर लगे हुए थे तंबू वगैरह, तो कोई वॉशरूम का इंतजाम नहीं था, तो हम लोग आएंगे अटक पेट्रोल पम्प। वो बहुत मेहरबानी है पेट्रोल पम्प वाले, सब क्या देखना पड़ रहा है। तो यार हम लोग आए हैं पान खाने, क्योंकि खाना वगैरह हमने खा लिया था तो लोगों को पता है, तो हम लोग आए पान खाने। भाई पान लगा रहे हैं, भैया भी गए हैं सामान लेने। तो यार हम लोग पान खाते खाते आए हैं मोर्चा स्नूकर क्लब, स्नूकर गेम खेल रहे हैं। A few moments later. तो यार मेहंदी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया है।
वाली है ये चेक कर लीजिए। चश्का होने वाला है एक, क्या बात है। खीर लेवल का और बाबा जी